हेलो, मैं इंजीनियर डीपी यादव, अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम लोग धातुएं पढ़ रहे हैं और पिछले दिनों हम लोगों ने कास्ट आयरन पढ़ा, ढलवा लोहा पढ़ा। आज हम लोग उससे आगे पिटवा लोहा पढ़ेंगे, जिसे रॉट आयरन कहते हैं। तो आइए चलते हैं लौह धातुओं में पिटवा लोहा। रॉट आयरन बेटा, ये सबसे शुद्ध लोहा, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। सीपीएमटी में कई बार कई जगहों पर ये पूछा गया है और ये पर्डलिंग विधि द्वारा परावर्तनी भट्ठी में तैयार किया जाता है, इसी ढलवे लोहे से। तो हम लोग जो है पिछले दिनों ढलवा लोहा प्राप्त किए, अब उस ढलवे लोहे से पिटवा लोहा तैयार किया जाता है। तो आप चाहें तो पहली पॉइंट लिख लें, ढलवे लोहे से पिटवा लोहा यानी रॉट आयरन तैयार किया जाता है। दूसरा बेटा पर्डलिंग विधि, विधि द्वारा बनाते हैं। जिसमें परावर्तनी भट्टी बेटा नोट करें, बहुत पूछता है कि परावर्तनी भट्टी से हमें क्या प्राप्त होता है। तो परावर्तनी भट्टी से हम लोगों को ढलवा लोहा प्राप्त, वो रॉट आयरन प्राप्त होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर्डलिंग विधि में क्या होता है बेटा, तो पर्डलिंग विधि में जिसमें परावर्तनी भट्टी में ढलवें लोहे को पिघलाया जाता है, और भट्टी के अंदर हेमेटाइट या Fe2O3 बेटा, जिसका सूत्र है, का स्तर, हेमेटाइट का स्तर लगा होता है। जिससे शुद्ध लोहा प्राप्त होता है जिसे रॉट आयरन कहते हैं या पिटवा लोहा कहते हैं।
देख ले बेटा, पडलिंग विधि द्वारा बनाते हैं, जिसमें पडलिंग विधि में क्या होता है, जिसमें परावर्तनी भट्टी में ढलवे लोहे को पिघलाया जाता है और भट्टी के अंदर हेमेटाइट का अस्तर लगा होता है। हेमेटाइट का अस्तर यानी Fe2O3, जिसमें Fe ये आपका लोहा है, इसका अस्तर लगा रहता है। ये लोहे का अयस्क भी है, भट्टी के अंदर अस्तर लगा रहता है, जिससे शुद्ध लोहा प्राप्त हो जाता है। तो ये ढलवा लोहा से हम लोग इस तरह से शुद्ध लोहा प्राप्त करते हैं, और जिसे रॉट आयरन अथवा पिटवा लोहा कहते हैं। अगली पॉइंट बेटा आप लिख सकते हैं कि यह सबसे शुद्ध लोहा है, यह सबसे शुद्ध लोहा है। चौथा बेटा, परावर्तनी भट्टी से प्राप्त लोहे को पीटते हैं, जिससे उसके ऊपर लगी अशुद्धि की पपड़ी हट जाती है। फिर भी अशुद्धि की एक पतली लेयर, अशुद्धि की एक पतली लेयर लोहे के ऊपरी सतह पर चढ़ी रहती है, सतह पर या सतह से चिपकी रहती है। चिपकी रहती है जिसके कारण इस पर जंग नहीं लगता, जिसके कारण पिटवा लोहे पर या जिसके कारण इस पर जंग नहीं लगता। देख लें, जब हम लोग परावर्तनी भट्टी से इसे प्राप्त करते हैं बेटा, तो प्राप्त करने के बाद उसे पीटते हैं। पीटने के कारण उसकी जो ऊपर अशुद्धियाँ चिपकी हुई हैं वो पपड़ी बनकर अलग हो जाती हैं, पपड़ी के रूप में रहती हैं, वो अलग हो जाती हैं। लेकिन फिर भी लोहे के ऊपरी सतह पर एक पतली लेयर अशुद्धियों की चिपकी रहती है, वो नहीं हटती है, और उसी लेयर के कारण इस पर जंग नहीं लगता है। अगली पॉइंट, यह सबसे शुद्ध लोहा, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। CPMT वगैरह में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि सबसे शुद्ध लोहा कौन है, उसमें विकल्प में दे देगा इस्पात है, माइल्ड स्टील है, ढलवा लोहा है, एक दे देगा पिटवा लोहा। तो पिटवा लोहा सबसे शुद्ध लोहा है। तो इसकी अन्य विशेषता भी लिख लें, इधर मैं लिख देता हूं थोड़ा शॉर्टकट में कि इसमें लोहा जो Fe है बेटा, पिटवा लोहा में Fe लोहे की मात्रा
98% से 99.9% तक होती है। यफ्फी की मात्रा बेटा लोहे की मात्रा, जिसे लोहा कहेंगे, लोहे की मात्रा 98.8% से 99.9% तक होती है। इसमें कार्बन जो है बेटा वो 0.05% से 0.15% तक होता है, तक कार्बन है बेटा। तथा इसका मेल्टिंग पॉइंट 1535, ये भी बहुत पूछता है कि शुद्ध लोहे का गलनांक कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, वो है बेटा 1535 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसकी डेंसिटी यानी घनत्व, डेंसिटी पूछता है, घनत्व पूछता है, वो घनत्व है 7.75 ग्राम प्रति सीसी, ये है। और इसमें अशुद्धि बहुत कम, अगली पॉइंट, इसमें बहुत कम कम अशुद्धि 0.1% तक होती है। ये भी इसकी विशेषताएं हैं, ये नोट कर लें, मेल्टिंग पॉइंट, घनत्व और अशुद्धि बहुत कम होती है। और ये अशुद्धि आपका सिलिकॉन है, फास्फोरस है, मैग्नीज है, ये सब अशुद्धियाँ इनमें बहुत नॉमिनल होती हैं। तो देख रहे हैं 99.9% तक लोहा ही है, अतः सबसे शुद्ध लोहा यही है। और कहीं लोहे का गलनांक पूछेगा तो आप इसी लोहे का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट लिखेंगे 1535, कहीं कहीं 1536 भी देता है, लेकिन ज़्यादा एथेंटिक 1535 डिग्री सेंटीग्रेड है। इतने पर लोहा हमारा पिघलने लगता है। तो जब लोहे की बात करेगा तो आप इसी की बात करेंगे। और इसके अलावा अगर उसको पूछना होगा तो पूछेगा कि ढलवे लोहे का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, तो ढलवे लोहे का 1200 है, माइल्ड स्टील का 1400 है, ऐसे है बेटा, और इसका 1535 डिग्री सेंटीग्रेड है। आगे हम लोग चलते हैं। तो लोहे के ऊपरी सतह से चिपका रहता है बेटा, ये सबसे शुद्ध लोहा होता है, और ये नर्म तन्य व आघात वर्ध भी होता है। तो अगली पॉइंट इधर मैं लिख दे रहा हूँ, यह नर्म तन्य व आघात वर्ध, आघात वर्ध्य होता है। नर्म को कहेंगे बेटा सॉफ्ट, मुलायम, तन्य को डक्टाइल कहेंगे, और आघात वर्ध को मैलिएबल कहेंगे। नर्म यानी ये मुलायम है बेटा, तन्य यानी इससे तार खींचे जा सकते हैं, इसके तार भी बनाए जा सकते हैं। आघात वर्ध जिसको हम लोग मैलिएबल कहते हैं, चोट मारकर इसे चद्दर के रूप में फैलाया जा सकता है, अथवा बेल कर इसे चादर के रूप में किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, तो उसे हम लोग आघात वर्ध, हिंदी आघात माने चोट मारना और वर्ध माने बढ़ना, यानी चोट मारकर जिसे चद्दर के रूप में फैलाया जा सके। तो ये नर्म भी है, तन्य भी है, आघात वर्ध भी है, और इस पर जंग भी नहीं लगता है। और ये जो है इसमें लोहे की मात्रा 99.9% तक है, कार्बन बहुत देखिए कम है, और मेल्टिंग पॉइंट इतना है, घनत्व इतना है। पडलिंग विधि द्वारा तैयार किया जाता है, परावर्तनी भट्टी में तैयार किया जाता है,
और ढलवे लोहे से तैयार किया जाता है। सबसे पहले हम लोगों को कच्चा लोहा प्राप्त होता है ब्लास्ट फर्नेस से, फिर उस कच्चे लोहे से हम लोगों को ढलवा लोहा प्राप्त होता है, फिर उस ढलवे लोहे से हम लोगों को ये पिटवा लोहा प्राप्त होता है। तो ये नर्म तन्य व आघात वर्ध है। अगली पॉइंट आप लिखना चाहें तो लिख लें, इसे इसे कठोरीकृत व पायनीकृत नहीं किया जा सकता। कठोरीकृत व पायनीकृत ये ऊष्मा उपचार की विधियां हैं बेटा, हीट ट्रीटमेंट की विधियां। तो इसे कठोरीकृत व पायनीकृत नहीं किया जा सकता, नोट कर लें। ये नर्म है, तन्य है, आघात वर्ध है, अतः इसके छोटे मोटे पाइप बनाए जाएंगे, तार बनाए जाएंगे और हल्के फुल्के कार्यों में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन ये महंगा है और इसलिए अब इसका स्थान माइल्ड स्टील ले लिया, मृदु इस्पात ले लिया, इसके आगे हम लोग चलेंगे। तो अब हम लोग पिटवे लोहे का प्रयोग न करके अब हम लोग इन ढलवे लोहे और पिटवे लोहे का उपयोग इस्पात बनाने में करते हैं। तो दैनिक जीवन में जितनी भी आलमारी है, जंगला है, खिड़की है, दरवाज़ा जो लोहे का बन रहा है, शटर है, चैनल है, वो सभी माइल्ड स्टील का बन रहा है, मृदु इस्पात का बन रहा। तो इसका स्थान वही माइल्ड स्टील या मृदु इस्पात ले लिया। अगली पॉइंट हम लोग चलते हैं। प्लेट है, तार है आदि, पॉइंट लिख लें, इसका उपयोग मशीनों के कोर बनाने में, कोर बनाने में भी किया जाता है। और वैद्युत चुंबक और वैद्युत चुंबक भी बनाने में करते हैं। इसका स्थान बेटा मृदु इस्पात ले लिया। तो इसका प्रयोग बहुत कम है, नॉमिनल है। वैद्युत चुंबक बनाने में, मशीनों के कोर बनाने में करते हैं, पाइप और प्लेट तार आदि बनाने में करते हैं, लेकिन अब बहुत कम हो गया है। इसका स्थान मृदु इस्पात, जिसे हम लोग माइल्ड स्टील MS कहते हैं, शॉर्ट में MS बोलते हैं, ये ले लिया। अब हम लोग इस पिटवा लोहे से कठोर इस्पात बनाएंगे। वैसे तो ढलवा लोहा से तमाम इस्पात बनाएंगे, तो अब हम लोग आते हैं इस्पात पर। अब हम लोग इस्पात देखेंगे। इस्पात बेटा या स्टील, जिसे हम लोग हिंदी में फौलाद भी बोलते हैं, तो ये इस्पात बेसिकली है क्या? तो लोहे व कार्बन का मिश्रण है। इस्पात है क्या? तो Fe+ कार्बन का मिश्रण है। इन जनरल कह सकते हैं
कि ये लोहे व कार्बन का मिश्रण, विभिन्न मिश्रण है ऐसे भी कह सकते हैं। और इसके इस्पात बनाने की विधि जो है, बनाने की विधि, अगली पॉइंट, तो इस्पात बनाने की विधि इस्पात बनाने की विधि बेटा तो तीन विधियां हैं। एक सीमेंस मार्टिन खुली भट्टी विधि, दूसरका है बेसेमर विधि, और तीसरा है वैद्युत विधि। ये तीन विधियां इस्पात या स्टील या फौलाद बनाने की हैं। सीमेंस मार्टिन खुली भट्टी विधि, सीमेंस मार्टिन ओपन हर्थ प्रोसेस कहते हैं, ओपन हर्थ प्रोसेस, बेसेमर विधि और वैद्युत विधि। ज़्यादातर इनमें ढलवे लोहे का प्रयोग करते हैं इस्पात बनाने में, इस्पात बनाने में ढलवे लोहे का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। इस्पात बनाने में ढलवे लोहे का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। जबकि कठोर इस्पात बनाने में, पिटवा लोहे का प्रयोग करते हैं। बहुत पूछता है कि बेसेमर विधि से या खुली भट्टी विधि, सीमेंस मार्टिन न कहे, केवल इतने बोल देगा खुली भट्टी विधि से तैयार करते हैं बेटा अथवा बेसेमर विधि से, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप कहेंगे इस्पात प्राप्त करते हैं या इस्पात बनाते हैं। वैद्युत विधि से भी बना हुआ इस्पात बहुत उत्तम क्वालिटी का होता है। तो ये सब बातें आप लोग जानते रहिए। अब हम लोग आते हैं, पहला इस्पात है माइल्ड स्टील या मृदु इस्पात। आ जाए हम लोग माइल्ड स्टील पर। इस्पात में मृदु इस्पात या माइल्ड स्टील, शॉर्ट में इसे MS बोलते हैं, माइल्ड स्टील मृदु इस्पात। मृदु इस्पात आप लोग देखे होंगे बेटा, इसी से आलमारी है आपकी जितनी भी है, नाली, जो नालीदार चद्दरें हैं वो हैं, सरिया है, वायर है, नट बोल्ट वाशर है, आप लोग जिसका जंगला बनवाते हैं, खिड़की बनवाते हैं, वो सब सरिया, छत में जो हुक है, जंजीर है जानवरों को बांधने के लिए, ये सब लोहे के दरवाजे लगवाते हैं हम लोग, एंगल आयरन है,
ये ट्रैक्टर की ट्रॉली है, बस की बॉडी है, ये सारे चीज़ें जो हम लोग बनाते हैं वो हमारे दैनिक जीवन में इस माइल्ड स्टील का, MS का सर्वाधिक उपयोग है। तो क्योंकि आपने पढ़ा कि रॉट आयरन का स्थान ये मृदु इस्पात ले लिया है, तो ले इसको देख लें पहली पॉइंट। यह रॉट आयरन से ज्यादा मजबूत व सामर्थवान होता है। इसलिए यह रॉट आयरन का स्थान ले लिया है। अब आजकल इसी का हर जगह प्रयोग करते हैं। इसकी भी विशेषता देख लें बेटा, इसमें कार्बन 0.15% से 0.45% तक कार्बन होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका डेंसिटी, इसकी डेंसिटी 7.8 ग्राम प्रति सीसी होती है। अगली पॉइंट बेटा लिख लें, यह नर्म तन्य व आघात वर्ग होता है। ये भी नर्म तन्य व आघात वर्ग होता है। अभी आपको नर्म तन्य व आघात वर्ग का मतलब सब समझाया बेटा, तो ये सेम वैसे ही होता है। लेकिन रॉट आयरन के सारे अच्छे गुण तो मौजूद होते ही होते हैं, ये उससे मजबूत व अधिक सामर्थ्यवान होता है। इसलिए रॉट आयरन के स्थान पर इसी का, माइल्ड स्टील का ही प्रयोग करते हैं। तो ये भी नर्म तन्य व आघात वर्ध है, इसे आसानी से वेल्ड किया जा सकता है। आप लोग माइल्ड स्टील देख लिए, मृदु इस्पात जिसे माइल्ड स्टील कहेंगे, हम लोगों के घरों में दरवाजा खिड़की जंगला सब इसी का बना हुआ है, यही है मृदु इस्पात। माइल्ड स्टील इसी का नट बोल्ट वाशर, साइकिल मोटरसाइकिल का फ्रेम, आलमारी, पंखे की ब्लेड, सब इसी माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। तो ये इसे आसानी से वेल्ड किया जा सकता है अथवा वेल्डिंग की जा सकती है, आसानी से वेल्ड किया जा सकता है। अगली पॉइंट बेटा, इस पर जंग लगता है, देखे होंगे, इसीलिए हम लोग पेंट पॉलिश इस पर करते रहते हैं। इस पर जंग लग जाता है या लगता है। इसे कठोरीकृत
वह पायनीकृत नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता, इसके स्थाई, स्थाई का मतलब परमानेंट, इसके स्थाई चुंबक बनाए जा सकते हैं। पॉइंट देख लें बेटा, रॉट आयरन से ये ज़्यादा मजबूत व सामर्थ्यवान होता है, इसलिए रॉट आयरन का स्थान ये ले लिया। माइल्ड स्टील ये नर्म तन्य व आघातवर्ध होता है, इसे आसानी से वेल्डिंग किया जा सकता है, वेल्ड का मतलब वेल्डिंग किया जा सकता है, इस पर जंग लगता है। इसे कठोरीकृत व पायनीकृत जो ऊष्मा उपचार की विधि, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग, इसे इंग्लिश में कहेंगे हार्डनिंग व टेम्परिंग, नहीं किया जा सकता। इसे आसानी से मशीनिंग क्रिया की जा सकती है, मशीनिंग क्रिया का मतलब बेटा इसे काटा जा सकता है, इसमें ड्रिल मशीन द्वारा छेद किया जा सकता है, इसमें चूड़ी बनाई जा सकती है, ये सारे मशीनिंग ऑपरेशंस हैं वो किया जा सकता है। इसके स्थाई चुंबक बनाए जा सकते हैं, और इधर ये सब लिखे ही हैं। आगे अगली पॉइंट इसमें आप और लिख लें कि इसका उपयोग नट बोल्ट वाशर चादर एंगल आयरन राड आदि बनाने में करते हैं। नट बोल्ट वाशर एंगल आयरन राड और इसी से दरवाजा खिड़की जंगला आदि भी बनाए जाते हैं, पाइप वायर। आदि बनाए जाते हैं। तो ये हो गया बेटा हमारा मृदु इस्पात, माइल्ड स्टील। अब माइल्ड स्टील के बाद हम लोगों का आ जाएगा औजार इस्पात। हम लोग औजार इस्पात यानी टूल स्टील पढ़ेंगे। औजार इस्पात,
बच्चों, जैसा आपको मालूम है कि इस्पात कार्बन व लोहे का मिश्रण है एक तरह से, तो हम लोग विभिन्न परसेंटेज या विभिन्न अनुपात कार्बन का मिलाते हैं और उसके हिसाब से हमारा मृदु इस्पात तैयार होता है, मीडियम कार्बन स्टील तैयार होती है, हाई कार्बन स्टील तैयार होती है। ऐसे हम लोग जो है विभिन्न प्रकार के इस्पात बनाते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं औजार इस्पात यानी टूल स्टील। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इससे औजार यानी काटने वाले औजार, हैक्सा है, छेनी है, ड्रिल है, ये सब जो है इससे बनाए जाते हैं। तो औजार इस्पात बेसिकली हम लोग कटिंग टूल इससे बनाते हैं। तो इसमें कार्बन की मात्रा, इसमें कार्बन की मात्रा 0.45% से 1.5% तक होती है। और इससे काटने वाले औजार कटिंग टूल्स बनाए जाते हैं, जैसे रेती, जिसे आप लोग फाइल कहेंगे, रेती है, छेनी है, बर्मा है, बर्मा यानी ड्रिल जिसे आप लोग कहते हैं, ड्रिल, डाई, टैप, डाई जिससे हम लोग बाहरी चूड़ी काटते हैं, टैप जिससे आंतरिक चूड़ी काटते हैं, ये सब बातें होंगी, आदि बनाए जाते हैं। अगली पॉइंट बेटा इसमें लिखेंगे, वह कार्बन इस्पात जिसमें कार्बन की मात्रा 0.45% से 0.8% तक होती है, उसे मध्यम कार्बन स्टील कहते हैं, उसे मध्यम कार्बन इस्पात कहते हैं। तथा वह कार्बन इस्पात जिसमें कार्बन
0.8% से 1.5% 1.5% तक होता है उसे उच्च कार्बन इस्पात कहते हैं। उच्च कार्बन इस्पात, हाई कार्बन स्टील, इंग्लिश में बेटा कहेंगे हाई कार्बन स्टील। कहते हैं और ज़्यादातर इसका उपयोग इसी हाई कार्बन स्टील का, छेनी, रेती, ड्रिल, डाई, टेप आदि काटने वाले औजार। बनाए जाते हैं अगली पॉइंट देख लें बेटा अगली पॉइंट अब देखेंगे इसे कठोरीकृत एवं पायनीकृत, ये ऊष्मा उपचार की विधि है। पायनीकृत कर और ज़्यादा कठोर, बनाया जा सकता है। ये ऊष्मा उपचार की विधि है कठोरीकृत यानी हार्डेनिंग एंड टेम्परिंग, इसे कहेंगे हार्डेनिंग एंड टेम्परिंग, कहेंगे। हार्डेनिंग एंड टेम्परिंग यानी कठोरीकरण एवं पायनीकरण, तो इसे कठोरीकृत एवं पायनीकृत कर और ज़्यादा कठोर बनाया जा सकता है। इसमें कार्बन, की मात्रा ज्यों ज्यों बढ़ाई जाती है वैसे वैसे इस्पात की कठोरता बढ़ती जाती है। परंतु गलनांक घटता जाता है।
गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट घटता जाता है, ये ड्रॉबैक है। काटने का जो सिस्टम है बेटा वो ये है कि हमेशा कठोर धातु मुलायम धातु को काटती है। अगर दो धातुओं को हम आपस में रगड़ें और जो स्क्रैच मार दे, खरोच मार दे, वो हार्ड है और जिस पर खरोच पड़ेगा वो मुलायम है अपेक्षाकृत। तो काटने की क्रिया में आप लोग देखते होंगे कि हम लोग रेती से काटते हैं तो भी रेती को उस पर रगड़ मारते हैं धातु के ऊपर, ऐसे धातु का अटारी जिसे हेक्सा बोलते हैं, हेक्सा से भी धातु को काटते हैं तो हम लोग उसे आगे पीछे चलाते हैं जिससे उसके दांते हेक्सा के धातु के पृष्ठ पर खरोच मारते हैं और धातु बुरादे के रूप में छोटे छोटे कणों के रूप में वहीं से खुरच खुरच कर गिरने लगती है और वहाँ स्लाट या ग्रुप बन जाता है और धातु कटने लगती है। तो काटने की जो मेन प्रक्रिया है उसमें जो है हम लोग स्क्रैच मारते हैं, खरोच मारते हैं और खरोच वही धातु मारेगी जो कि सर्वाधिक कठोर होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें कार्बन की मात्रा, औजार इस्पात इसका नाम ही पड़ा है, अंग्रेजी में टूल स्टील कहेंगे बेटा, और ज़्यादातर जो है हाई कार्बन स्टील जिसमें कार्बन की मात्रा 0.8% से 1.5%, ये हाईएस्ट है बेटा, 1.5% कार्बन मैक्सिमम मिलाया जाता है, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं मिला पाते हैं। अगर मिलाएंगे तो कार्बन मिलाने से कठोरता तो इस्पात की बढ़ती है जिससे वो कटिंग क्रिया करने में सक्षम होता रहता है, लेकिन साथ ही एक ड्रॉबैक ये भी है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक घटता जाता है, इसलिए हम लोग 1.5% से ज़्यादा कार्बन नहीं मिला पाते हैं, यानी 100 किलो लोहे में 1.5 किलो केवल हम लोग जो है कार्बन मिलाते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं हाई कार्बन स्टील या औजार इस्पात या टूल स्टील, या उसी को आप कहेंगे हाई कार्बन स्टील। तो इसकी कठोरता बढ़ जाती है और जिससे ये काटने में सक्षम हो जाता है, इसलिए काटने वाले औजार जैसे रेती है, छेनी है, बर्मा है, डाई है, टेप है आदि इसी के बनाए जाते हैं। ये सब लिखा हुआ है कि ज़्यादातर इसी के बनाए जाते हैं। रेल की पटरी भी बनाई जाती है, रेल की पटरी नोट कर लें कहीं, रेल पटरी भी इसकी बनाई जाती है। तो गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट घटने लगता है और इसका गलनांक भी लिख दे रहे हैं, गलनांक जो है या मेल्टिंग पॉइंट जो है जिसे आप कहेंगे, इसका गलनांक लगभग 1300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। घनत्व भी लिख दे रहे हैं, इसका घनत्व 7.9 ग्राम प्रति सीसी होता है। ये सब अब देखें बेटा कि गलनांक 1300 है जबकि कटिंग क्रिया में अपार ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे ऊष्मा अगर अधिक हो जाएगी तो आपके छेनी की या रेती के दांते या हेक्सा के दांते मुलायम पड़ जाएंगे ऊष्मा पाकर और वो मुड़ जाएंगे, या उनका जो है पैनापन या तीक्ष्णता या काटने की क्षमता या उनकी धार जो है खराब हो जाएगी। इस तरह से हमारी रेती है, छेनी है, हेक्सा है, ड्रिल है, उसकी धार मुड़ जाएगी, वो जो है काटने में फिर सक्षम नहीं होगा। तो इस तरह से कटिंग क्रिया में आप लोगों को पिछले दिनों भी बताए थे कि जब हम लोग रगड़ अपनी हथेली को ऐसे रगड़िए, देखिए एकदम ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है, हथेली गर्म हो जाती है, वैसे ही जब हम किसी धातु को ऐसे ऐसे हेक्सा से काटते हैं, बार बार रगड़ मारते हैं, तो धातु भी गर्म होता है और साथ में हमारा कटिंग टूल काटने वाला औजार भी बहुत गर्म होता है और वो ऊष्मा इतना अधिक निकलती है कि अगर उसे शांत न किया गया तो हमारा कटिंग टूल जो छेनी है, रेती है, हेक्सा है, ड्रिल है, उसकी धार जो है मुलायम पड़ के मुड़ जाएगी
और हमारा औजार कटिंग टूल खराब हो जाएगा। तो उस कटिंग क्रिया में अपार ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए उसे शांत करना जरूरी है। किसी न किसी कूलेंट अथवा शीतक द्रव का प्रयोग करना आवश्यक होता है। तो कटिंग क्रिया में हम लोग कोई न कोई शीतक द्रव प्रयोग करेंगे, उस कूलेंट का जरूर प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 1300 ही है। अगर ये 200-250 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म हो गया तो फिर ये अपनी तीक्ष्णता खोने लगेगा और इसका जो है वो कठोरता जो है समाप्त होने लगेगी। तो अगली पॉइंट मैं ये भी लिख दे रहा हूँ कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसके बने औजार अपनी तीक्ष्णता खोने लगते हैं। इसलिए थोड़ा सस्ता मिलता है, चीप है, हाई स्पीड स्टील अभी वो मिश्र इस्पात है, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हाई स्पीड स्टील के जो छेनी रेती ये सब बनते हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, ज़्यादा टिकाऊ होते हैं, ज़्यादा कटिंग क्रिया कर लेते हैं और उनकी लाइफ ज़्यादा होती है, लेकिन वो महंगे होते हैं। उनकी अपेक्षा हाई कार्बन स्टील औजार इस्पात को ही हम लोग एक तरह से हाई कार्बन स्टील भी बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली इसी से सब। तो इनडायरेक्ट वे में आपको जानने के लिए जो औजार इस्पात है बेटा, वही आपका एक तरह से हाई कार्बन स्टील है, और वो हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा मैक्सिमम 0.8 से 1.5% तक होती है, और ज़्यादातर जो है इसी इस्पात का प्रयोग करते हैं। ये बहुत मजबूत भी होता है, यह बहुत मजबूत व शक्तिशाली होता है। इसके स्थायी चुंबक भी बनाए जा सकते हैं, इसके स्थाई यानी परमानेंट बेटा मैग्नेट बनाए जा सकते हैं। ये सब इसकी क्वालिटी है। ऊष्मा उपचार जिसे हीट ट्रीटमेंट कहते हैं, तो हीट ट्रीटमेंट की एक क्रिया है, आपको भी बताया कि ये ऑलरेडी कार्बन मिलाने से इसकी कठोरता तो बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग कहते हैं कि लोहा लोहे को काटता, तो लोहा लोहे को काटता यानी ये हाई कार्बन स्टील का बना हुआ औजार प्लेन हाई कार्बन स्टील को काट देगा। क्योंकि हाई कार्बन स्टील का जब हम लोग बनाएंगे औजार इसका, तो उसे फिर जो है हीट ट्रीटमेंट द्वारा उसे और ज़्यादा कठोरीकृत एवं पायनीकृत कर लेते हैं। ये ऊष्मा उपचार की विधि है जिससे हमारा औजार इस्पात और ज़्यादा कठोर हो जाता है, उसकी धार और तेज हो जाती है और कठोर हो जाती है। इस तरह से वो प्लेन हाई कार्बन स्टील को इसका बना हुआ औजार काट देता है। तो ये सब इसकी क्वालिटी रही बेटा। अब हम लोग जो है इससे आगे जो है मिश्र इस्पात पढ़ेंगे। अभी तो ये आपने स्टील पढ़ा, अब मिश्र इस्पात में जैसे टंगस्टन स्टील, कोबाल्ट स्टील, हाई कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, ये सब की हम लोग चर्चा करेंगे और शेष अगले वीडियो में। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं।